सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आई रिभा चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मेरे चैनल पे आप लोग का फिर से स्वागत है। हलवा, ये लौकी का हलवा है। लौकी, हाँ वही लौकी जो हम लोग सब्जी बनाते हैं, खाते हैं। तो लौकी का सब्जी के साथ साथ हलवा, खीर सभी कुछ बनता है। सब बहुत स्वादिष्ट बनता है। जैसे रायता सब्जी बनता है ना, उसी प्रकार से लौका का हलवा खीर भी बनता है। ये लौकी है मेरा। लौकी जब भी ले तो हल्का मोटा वाला ही ले। ये मेरा घर का पीस है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, लेकिन है बहुत ताज़ा, बहुत ही एकदम मुलायम है, हार्ड नहीं है। तो लौकी को हम छील लेंगे, काट लेंगे। बहुत बड़ा लौकी था तो उतना तो हमें लेना नहीं था, आधा केजी के बराबर हम लौकी लिए हैं। उसको अच्छी तरीके से पीलर की मदद से हम उसको पील कर लेंगे। उसके बाद फिर हम उसको कद्दूकस करेंगे। तो कद्दूकस थोड़ा फास्ट फास्ट करना होता है ताकि उससे पानी ना निकले। पानी निकलने के बाद फिर परेशानी हो जाता है। तो एकदम बिल्कुल जल्दी जल्दी करें और मोटे वाले साइड से करें ताकि हलवा बनने के बाद थोड़ा उसमें चंकनेस रहे। तो इस तरह से हम जल्दी जल्दी कद्दूकस कर रहे हैं। कद्दूकस करने के बाद फिर हम आपको दिखाएंगे, उसमें मेरा थोड़ा भी पानी नहीं निकला है। तो जल्दी जल्दी हाथ चला करके टोटल लौकी का कद्दूकस हम कर चुके हैं और फिर इसको हम बनाएंगे। तो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं ज़रूरत होता है, बस 2-3 चम्मच घी डाले हैं आधा केजी लौकी में। उसको फिर हल्का भूनेंगे। भूनने के बाद फिर उसमें दूध डालेंगे। दूध एक बार में पूरा नहीं देना है, थोड़ा थोड़ा कर करके 2-3 बार देंगे और ताकि वो फट नहीं पाए। बहुत ज़्यादा दूध का ज़रूरत नहीं होता है। दूध को हम साइड में पहले गरम, या तो फिर पहले आप दूध को साइड में गरम करके पूरा एकदम गाढ़ा ठीक कर लीजिए फिर डालिए। तो हम वही किए हैं, पहले साइड से दूध को भी हम गरम कर लिए, पूरा ठीक हो गया है। उसके बाद फिर इसमें हम डाले हैं। उससे फटता नहीं है, फटने से भी कोई दिक्कत नहीं होता है, वो भी बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन प्रयास रहता है कि फटे नहीं। देखने में ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है जो नहीं फटता है, बाकी स्वाद दोनों का ही बराबर होता है। तो ये देखिए मेरा लौकी भून रहा है। लौकी का चंक्स आपको दिखाई दे रहा होगा, कितना फ्रेश फ्रेश एकदम अलग अलग है सब। बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं दिख रहा होगा। ये मेरा 250 ग्राम के करीब दूध है, बहुत ज़्यादा दूध नहीं है। इसको हम अच्छी तरीके से खौला लिए हैं। लौकी भूनने के बाद फिर हम उसमें दूध पूरा एक बार डाल देंगे। ये देखिए बहुत ज़्यादा दूध नहीं है, लौकी मेरा गल करके एकदम थोड़ा सा हो गया था भूनते भूनते। देखिए ज़्यादा दूध नहीं है तो हम एक बार में पूरा डाल देंगे। अगर ज़्यादा दूध हो, 250 ग्राम तो ऐसे गलने के बाद ज़्यादा हो जाता तो थोड़ा थिकनेस उसमें आ गया है, तो इसको फिर हम डाल देंगे और इसको पकाएंगे। जब ये पूरा एकदम खाने लायक वाला सोर्स में आ जाए ना, तो फिर इसमें हम डालेंगे चीनी। चीनी भी थोड़ा थोड़ा कर करके डालेंगे ताकि उसका भी पानी बहुत ज़्यादा नहीं आए। तो ये कम फ्लेम कर करके कुछ देर के लिए हम छोड़ देंगे, थोड़ा सा सब एक दूसरे से एकदम एब्जॉर्ब कर ले दूध भी लौकी में। तो ये लौकी या दूधी का हलवा बस इसी तरह से बनाना है, बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बनता है। तब तक हम फ्राई कर लेते हैं थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स हम तड़का पैन में 1 चम्मच घी डाले हैं, उसमें थोड़ा सा 4-5 काजू और 4-5 बादाम है, जिसको कि हम हल्का सा, बस हल्का सा उसको हम उस घी में तड़का की तरह बना देंगे। बस हल्का रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, जलाना नहीं है। तो देखिए ये मेरा ड्राई फ्रूट रोस्ट हो गया है और इधर हलवा मेरा बन करके रेडी है। तो इसमें अब हम डालेंगे चीनी। तो चीनी बस हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। देखिए ये थिक मेरा हलवा पूरा हो गया है, तो ये 1/2 कटोरी के करीब मेरा चीनी है, मुश्किल से 50 ग्राम चीनी होगा। और इसको हम थोड़ा सा डाले हैं, फिर 2 मिनट के लिए पका लेंगे, उसके बाद फिर थोड़ा सा दोबारा डाल देंगे। तो गाइस मेरा हलवा बन करके लगभग रेडी हो गया है। थोड़ा सा और ये सूखेगा, उसके बाद फिर उसमें जो ड्राई फ्रूट्स का तड़का है ना वो डालेंगे। तो हलवे में तड़का की कॉम्बिनेशन वो हो बहुत अच्छा, वो लगा दीजिए, हलवे का स्वाद दुगना हो जाता है और टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो देखिए चीनी डालने के बाद हल्का सा मेरे हलवा में बबल जैसा दिख रहा होगा, वो चीनी डालने के बाद पानी उसमें बढ़ जाता है। चीनी जो है ना पानी छोड़ देता है तो वो बढ़ जाता है। वो भी बिल्कुल सूख जाए तो फिर हम डालेंगे तड़का, तो स्वाद हो जाएगा दुगना। और उसके बाद फिर गरम गरम हम सर्व करेंगे।
तो गाइज आपको अगर ये रेसिपी मेरा अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करेंगे। तो देखिए ये सूख गया है बिल्कुल और मेरा तड़का गया हलवे में और फिर इसका स्वाद दुगना हो जाएगा। अब बिना आप अगर चाहे तो बिना ड्राई फ्रूट्स के तड़के का भी आप हलवा बना सकते हैं, वो भी बहुत सुंदर बहुत लजीज। एक बार खाइएगा, सर्दी के मौसम में हर बार बनाइएगा क्योंकि ये बहुत ही लजीज होता है, बिल्कुल घर के मटेरियल से बनने वाला होता है, बाहर से आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लाना होता है, ना 100 रुपये केजी गाजर लाना होता है ना और कुछ भी लाना होता है। टोटल आपके घर में जो वो रखा मटेरियल है जिसका आप सब्जी बनाते हैं, एक दिन हलवा बना करके देखिए, फिर देखिए टेस्ट में कैसे 4 चांद लगता है खाने में। तो देखिए मेरा हलवा बन करके बिल्कुल रेडी हो गया है, अब इसको हम सर्व करने जा रहे हैं। तो गाइज अगर मेरा रेसिपी और हलवा आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर बनता है और सब्सक्राइब ज़रूर से करें।